सालों के विवाद बटन बटर के किचन में खुश आमदेद। नहीं, आज हम जा रहे हैं बेटी के वलीमे के ऊपर। हमारे पिछले सारे वीलॉग इंशाल्लाह कंटिन्यू होंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने रास्ते में सफ़र कैसे किया और हम वहाँ पर कैसे पहुँचे और हमने वहाँ पर जाके क्या क्या इन्जॉयमेंट किया। जी हाँ, बेटी का अलहमदिल्ला खैर से शादी हो गई है। मेरी दुआएँ हैं कि जितनी भी बेटियाँ घर पर हैं उन सब के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएँ। आमीन सुमा आमीन। और वो खैर आफियत के साथ अपने घरों में जाएँ। आमीन सुमा आमीन। मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको कंटिन्यू करते हैं। अपने भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी, फिर जुड़े रहिए मेरे साथ। हाँ जी वली अतीत। हेलो। हाँ भाई जावेद साहब आती हैं। बस आंटी आप हंसाती थे हमें। हंसाएं हंसाएं सबको। से गुजर रहे हैं, ये देखें सारे खा पी रहे हैं, यहीं खा पी के पेट भर के और फिर वहाँ पर मिल के वापस आ जाएंगे। वलीमे का खाना तो हम खाएंगे नहीं। ये देखें जनाब, यहाँ रुके हैं हम लोग। ये हमारी कोस्टर है, कोस्टर, और हम लोग रुके हैं इस वक्त यहाँ पर तो आम और शाम फ्रेश होने के लिए रुके हैं। पीएसओ का पंप है ये, फालिया के बाद आता है। जनाब यहाँ रुके हैं फालिया के बाद, थोड़ा सा वेटिंग कर लेंगे और हमने कहा चलें थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएं ताकि फिर उसका मोटरवे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। पीएसओ के पंप पे रुके हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है मोटरवे पे, कोस्टर का सीरियस एक्सीडेंट। फैसलाबाद में एंटर हो चुके हैं हम लोग। बुगाड़ का शोरूम भी है भैया। नहीं, ये कनाल रोड पर है इस वक्त और हॉल से करीब है। और हम लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हैं, पैराडाइज ग्रैंड मार्की पे। तो आगे ढोल शोल बज रहे हैं, पता नहीं दो शादियां हो रही है, उल्टे आते हमारी हो। सारे काले नीले पीले लोग और ये नानी उतर रही है हमारी। और नानी क्या कहती हैं आप सफ़र के बारे में? तेल निकल गया इनका, पानी तो हमारा निकला है, इनका तेल निकल गया। जी अब आपको दिखाते हैं हम ग्रैंड मार्केट में जाके क्या क्या हो रहा है। हटो, वीडियो बन रही है। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। जबरदस्त जी, बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त किस्म का हॉल है यहाँ का। ये पैराडाइज ग्रैंड मार्की है। साथ में ये क्या है? चिकन हंडी, चिकन हंडी। और माशाल्लाह भाई हमारे खा रहे हैं अभी गुलाब जामुन, दिखाएं जी। ओए 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 ओए, क्या गुलाब जामुन है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त और अच्छा इंतज़ाम। दुल्हन साहब हैं, वो खुद जा रही हैं बेचारी। भाई माजा हम गाड़ी लेके नहीं आए। हमने कहा
हमने कहा शुगर लगाते हुए जाएंगे हम। इतनी खुशी वाले दिन सो रहे थे यार हमारे पास लोगों की। दुल्हन चल रही है, दुल्हन कहाँ बैठेंगी, आगे बैठेंगी, यहाँ हवा बहुत आती है, आगे आ जाओ, चेंज कर लेना बीच में, यहाँ आगे तुम्हारी जगह बनाई हुई है। लूँ तुम्हें जाओ चीज़ें पकड़ा दो मुझे, आगे वाली बैठ जाओ। चले भाई निकल रहे हैं, देखो यहीं रुके उतरे थे लाहौर, क्या है पिंडी भटियाँ, पिंडी भटियाँ आ गया, यहीं से हम रुके थे। सनसेट चले जी चले अंदर चले बस करो। ये जनाब हम सुबह पकौड़े खा रहे हैं अपने स्टेशन पे, गुजरात स्टेशन पे हम लोग आए हुए हैं और बस मेहमानों की वापसी है और यहाँ से चाय वगैरह और पकौड़े वगैरह इनको खिला के इंशाल्लाह फिर रुख्सत करेंगे। गुजरात स्टेशन 9:30 इनकी ट्रेन है, पाकिस्तान एक्सप्रेस से जा रहे हैं, वापसी हमारे। जी जनाब वापसी है। मैंने कहा जाते थे आपको पेट ख़राब करके भेजूं, ये ले चाय तो मेरे हाथ में है। जी भैया पकौड़े गर्म है, आया खाक मजा आएगा ना, सफ़र में रहे। आप खाए ना पकौड़े, स्पेशली मैं आपके लिए बनवा के लाया हूँ, चाय भी स्पेशल बनाई है आपके लिए। मेरे मेहमान ट्रेन दिख तो नहीं रही, मेरी बहुत बस खुशी हुई आप लोग आए, बहुत मज़ा आया, इंजॉय हुआ हमारे साथ। आते रहेंगे इंशाल्लाह, ट्रेन इनकी आ रही है, आते रहेंगे हम, इनकी मशीनरी तेज है, अब ज़्यादा होगी जब से दवाइयाँ भेजी हमने हैं, खा रही थी यार। आपने कहा चले पहले खाना वाना खा लूँ, चले भाई जगह भाई बहुत शुक्रिया यार, आप लोग आए मज़ा आया था, इंजॉय हुआ काफ़ी। चले भाई दुआओं में याद रखें, ट्रेन इनकी आ गई है। हाँ जी अभिष्पा मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया भाई हमारे फैमिली मेम्बरान ने, हमारी शादी बड़ी अच्छी रही। जावेद भाई भी स्पेशली आए हैं, जिंदगी में पहली दफा निकले, पहली दफा आए, मज़ा आया हमको जी, बहुत खुश हुए, भले जुड़े रही है जावेद और मैं बहुत खुश। ये बंदा बहुत उल्टियां करता है भाई, है भाई लड़का, ये कह रहा है ये लड़का है, ये भाई लड़का लग तो नहीं है लड़के यार, बार बार तो बड़े प्यारे पहने। चलो भी आ जाए, ट्रेन आ गई है, माशाल्लाह जी इनकी ट्रेन आ गई है और इनकी वापसी है, जबरदस्त जबरदस्त सब जाने वाले जी, खैरियत के साथ चढ़ गए हैं सारे। अच्छा हो गया, अच्छा टाइम था जी, निकल गया इनका, बैठ गए जी बैठ गए, नानी का नानी बोले बोले गए, ये जबरदस्त क्या चले जनाब, बहुत मज़ा आया, इनको छोड़ दिया है, माशाल्लाह खैरियत से बिठा भी दिया है, तरीके से चले भी गए हैं, बहुत इंजॉय किया शादी में, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शादी रही और हम सब ने फन और मज़ा किया और वलीमा बहुत अच्छा रहा आपको, और अल्लाह का शुक्र है खैरियत से बिठा दिया है। हमारी जो सास हैं बच्चों की जनानी वो बड़ी वरीड थी कि यहाँ पर रुकती नहीं है, लेकिन आपको मैंने वीडियो में दिखाया कितने तरीके से खैर आफत के साथ सारे चढ़ गए, और मज़े की बात जो सबसे मज़े की बात वो ये लगी कि उनका ही डब्बे ही खिड़की खुली हुई थी और सारा सामान हमने बाहर से उनके डब्बे में चढ़ा दिया। तो जनाब अली इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लें और खैरियत से उठें, और माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं और सुबह उठ के जब मैं उठाऊँ तो 6 बजे करीब तो माशाल्लाह कुरान पढ़ रही थी और नमाज भी इनकी चल रही थी,
तो ये सब उन्हीं की बरकत और करामात हैं कि वो खैरियत से गुजरात के आराम से जाए, आराम से चढ़ गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस का इंतज़ार करें। कीप इन टच, अल्लाह हाफिज़।